से ये पढ़ चुके हैं काफी ज्यादा, ये दिख भी रहे हैं अब तो क्लियरली, पहले दिखते नहीं थे बट अब क्लियरली दिखने लग गए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। सो आज की ब्लॉगिंग जो है मैं कर रहा हूँ स्टार्ट अपनी शॉप से, और आज हमारे भैया का भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे विश कर देना कमेंट में। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे भैया भी हैं, तीनों आज हैं। सो आज तो भैया पार्टी कराएगा हमें, देखते हैं कि कराता है कि नहीं कराता। सो आज पूरे वैसे बर्थडे का माहौल बिल्कुल शांत पड़ा है, कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, सुनसान हो रहा है पूरा का पूरा। इतने टाइम तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी यहाँ खास करके यात्रियों की, बट आज तो बिल्कुल ही सुनसान हो रहा, तो इसलिए हम भी भटक ही रहे हैं दुकान से बाहर। तो गाइस आजकल मैं रेगुलर बेसिस में जिम की वीडियो डाल रहा था क्योंकि मुझे जिम में जो है काफ़ी इंटरेस्ट है और बॉडी बिल्डिंग का शौक है थोड़ा बहुत। सो मैंने सोचा क्यों ना जिम की वीडियोज़ भी बना दिया जाए, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। सो मैं सोच रहा था कि आपको क्यों ना होम वर्कआउट भी साथ ही साथ इसमें होम वर्कआउट की वीडियोज़ भी दिखाऊँ अपने चैनल में। सो अब मैं होम वर्कआउट की वीडियोस भी आपके सामने शेयर करूंगा। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होते हो तो आप मेरे साथ धीरे धीरे आप भी जो है बिगनर से स्टार्ट करोगे और मेरे साथ बढ़ते रहोगे। तो गाइस पापा जी का भी आने का टाइम हो चुका है और अब मैं जो है डायरेक्ट जाऊंगा घर। वैसे मैं दुकान से पहले ऑफिस जाता हूँ बट आज मुझे थोड़ा काम है, तो इसलिए पहले मैं आज घर जाऊँगा, देन उसके बाद जाऊँगा ऑफिस। से मिलते हैं घर पर। सो गाइस अभी आया हूँ घर में शॉप से, तो अभी पहुँचा हूँ जस्ट। आज शॉप में नाश्ता नहीं आया था मेरा, तो अब मैं घर पर नाश्ता करता हूँ, देन उसके बाद मिलते हैं। बस कटिंग्स की ज़रूरत है, बाकी तो सब हो चुके हैं, कटिंग्स की ज़रूरत है मुझे। और मतलब ये फैट में ही आ रखा है अभी तो, मसल्स गेन करने मुझे। और बाकी जो ये स्ट्रेच मार्क्स है ये पड़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, ये दिख भी रहे हैं अब तो क्लियरली, पहले दिखते नहीं थे बट अब क्लियरली दिखने लग गए। इधर साइड नहीं है बट इधर साइड है। सो प्रोग्रेस में चल रहे हैं अभी हम, और ऐसे ही अभी मुझे काफ़ी गेन करना है मसल्स, फैट नहीं मसल्स गेन करना है। तो इसीलिए मसल गेन करने के लिए और अपनी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए मैं कुछ लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। सो गाइज मैं लाया हूँ क्रिएटिन, तो ये क्रिएटिन मैं लाया हूँ जो कि आप देख सकते हो ये वन साइंस का है, मोनोहाइड्रेट है मेरे ख्याल से, हाँ तो ये वही है। सो मेरे पास प्रोटीन तो पहले से था बट मैं सोच रहा था कि काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि क्रिएटिन भी ले लेता हूँ ताकि मुझे जो है और ज़्यादा एनर्जी हो जिम में और अच्छे से वेट उठा सकूँ। तो वेट उठाने के लिए मैंने मेनली जो है ये क्रिएटिन लिया है। सो ये है 3000 mg कार्बन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इसमें, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हमें 4 या 5 ग्राम ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है इसमें, और ठीक है इतना ही। काफ़ी लोगों को क्रिएटिन का यूज़ पता नहीं है कि कितने इसमें स्कूप लेना है, कितने ग्राम लेना है, तो आपको मैं यहाँ पे इसे बता देता हूँ। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको एक मिनट है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है, जो पढ़ के बताता हूँ मैं। सो यहाँ पे जो लिखा है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखा है सर्विंग साइज 3 ग्राम, और इसमें थोड़ा बहुत लिखा है द बेनिफिशियल इफेक्ट इज ऑब्टेन विद अ डेली इनटेक ऑफ द लीस्ट 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन, डिवाइड योर बॉडी वेट इन केजी बाय 3। अगर आपका वेट 50 किलो, 60 किलो या 70 किलो, तो उसको 3 से डिवाइड करें, देन उसके हिसाब से आपको जो है क्रिएटिन लेना है। दैट्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्रिएटिन इन ग्राम यू शुड टेक डेली इन द लोडिंग फेज फर्स्ट वीक ऑफ यूज़, मतलब फर्स्ट वीक में तो आपको उस हिसाब से लेना है। देन उसके बाद जो है आपको क्रिएटिन की मात्रा है जो कम करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, कम करनी है सिर्फ मेंटेन करने के लिए, इसे ज़्यादा नहीं खाना है। कुछ लोग कहीं प्रोटीन की तरह बिल्कुल एक पूरा स्कूप ना डाल दें, बहुत से लोग डाल देते हैं ये सोच के कि ज़्यादा एनर्जी आएगी ज़्यादा खाने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो आपको हिसाब से खाना है, डेली इनटेक करना है, और पानी खास करके अच्छे से पिए इसमें। तो ये मैंने लिया था अपने के लिए, अभी फ़िलहाल 2 या 3 दिन हुए इसे लिए हुए, और असर भी 1-2 दिन में ही पता चल जाता है, खास करके अगर आपको जाते हो आप डेली जाते हो जिम तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी तक की है, कि आप कितना वेट उठाते हो। और इसे लेके मुझे लगा है कि हाँ भाई स्ट्रेंथ में भी कुछ फ़र्क 1 दिन में ही दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मुझे डेली जो है जिम जाते जाते हो चुके हैं 2 एंड हाफ मंथ में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को जो मिल रहा है। सो ये है रिज़ल्ट, पहले इस तरीके नहीं था, अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी होगी तो इस तरीके से कुछ नहीं था। सो अब काफ़ी जो है ग्रोथ हो रही है, बट ये कि अभी मुझे कटिंग्स वगैरह पे फोकस करना है ज़्यादा, और इसके लिए काफ़ी फैट जो है लूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए पूरी जो है तैयारी मैं कर रहा हूँ, लेट्स सी कितने टाइम पर होता है।
पूरी अपना डाइट वगैरह मेनली जो है डाइट पे भी पूरा फोकस होना पड़ेगा। तो अगर आप डाइट जाना चाहते हो कि आप किस तरीके से अपना जो फैट है लॉस कर सकते हो और बेली फैट हो चाहे कहीं का भी तो आप लॉस कर सकते हो डाइट के बदौलत, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जो डाइट में है वेट को लॉस कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।